माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। अतीक के रिश्तेदारों और इससे जुड़े हुए और लोगों के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ये सभी ठिकाने प्रयागराज और इसके आसपास के इलाकों में हैं। इन लोगों में खालिद जफर, वकील सौलत हनीफ खान, असद वदूद अहमद, मोहसिन सीए सबी अहमद, सीए आसिफ जाफरी, सीताराम शुक्ला, रियल एस्टेट डेवलपर संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव शामिल हैं। इन छापेमारी में ईडी को कई सारी चीजें हाथ लगी हैं। ईडी को 75 लाख रुपए कैश भी मिला है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 200 बैंकों के खाते मिले हैं, विदेशी करेंसी मिली है, 50 शेल कंपनियों की जानकारी मिली है। ये सारी संपत्ति और पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल के लिए थे। साथ ही इनकी उगाही, धमकी, जमीन कब्जा और बाकी कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए की गई। 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के कागजात भी मिले हैं, जो अतीक अहमद के नाते रिश्तेदारों के नाम पर थे। ये सभी अतीक की बेनामी संपत्ति का हिस्सा है। 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की जानकारी भी एजेंसी को मिली। कई ऐसे कागजात मिले हैं जो बताते हैं कि अतीक ने कितने लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीनें अपने नाम करवा ली थी। आपको बता दें कि बुधवार शाम को ही अतीक अहमद को प्रयागराज के रैनी जेल लाया गया है। एक बार फिर से उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब उमेश पाल मर्डर केस में नामजद माफिया डॉन अतीक अहमद के करीबियों पर भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और इसी सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छापेमारी की कार्रवाई हुई। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की ओर से अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा था। अब एक बार फिर से ईडी एक्शन में आ गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीब दर्जन भर करीबियों के ठिकानों पर बुधवार सुबह से ही ईडी की छापेमारी शुरू हो गई थी। ईडी की टीम बुधवार को प्रयागराज में छापा मारने पहुंची। 12 से ज्यादा करीबियों के चिन्हित ठिकानों पर छापा मारा गया। स्थानीय पुलिस भी ईडी की टीम की मदद में जुटी हुई थी। इस पूरी कार्रवाई में ईडी के जॉइंट डायरेक्टर खुद लीड कर रहे हैं। इसके लिए वो खुद प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। ईडी की टीम प्रयागराज के कालिंदीपुरम में खालिद जफर के घर भी पहुंची, वहां पर छापा मारा गया। खालिद को अतीक अहमद के फाइनेंसर के रूप में देखा जाता है। खालिद पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पनाह देने का भी आरोप लगा है। माना जा रहा है कि खालिद ने शाइस्ता को छुपा रखा था। हालांकि छापेमारी में शाइस्ता की बरामदगी नहीं हो सकी। उमेश पाल मर्डर केस में अब ईडी की भी एंट्री होती पूरी तरीके से दिख रही है। ऐसे में अब मामला और ज्यादा गर्मा गया है। अतीक के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही इस कार्रवाई ने सरगर्मी बढ़ा दी। ईडी की टीम खान सौलत हनीफ के आवास पर भी पहुंची। खान सौलत हनीफ अतीक अहमद का वकील है। उसके घर पर ईडी की टीम पहुंची। उमेश पाल अपहरण केस में भी हनीफ को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अतीक के काले साम्राज्य को फैलाने में उसके भागीदार रहने का मामला भी सामने आया था और अब इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने माफिया डॉन के करीबियों को चिन्हित ठिकानों पर बुधवार सुबह से छापेमारी शुरू की। माफिया अतीक की करीब 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ईडी की तरफ से निशाने पर लिया गया है। माफिया डॉन की काली कमाई को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हुई है। इस पूरी कार्रवाई को लीड करने के लिए ईडी के जॉइंट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह प्रयागराज में खुद मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।